नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इस कंपनी की जो है 2024 से लेकर के 2029 के बीच में क्या स्थिति रह सकती है और किस प्रकार से ग्रह योग बन रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक वीकली मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टाइम फ्रेम जान सकते हैं और लेवल्स भी आप जान सकते हैं। और हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। और यह प्रेडिक्शन मैं एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कर रही हूँ कि इस कंपनी में आखिर क्या स्थिति बन सकती है 2024 से लेकर के 2029 के बीच में। तो जी हाँ दोस्तों, सारी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है जो आपके इंटरनेट से ली गई है, इसी के आधार पर आधारित यह कार्यक्रम है। और अब हम इसे ज्योतिष की नज़र से देखेंगे कि ग्रह क्या स्थितियाँ बना रही हैं। जैसे कि व्यक्ति वस्तु जो भी रहता है, सभी की कुंडली बनती है और उसी कुंडली के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की उन्नति करता है। और यदि खराब स्थितियां, ग्रह की दशाएं खराब आ जाती हैं, तो हमें अचानक हानि के योग भी देखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली जो रहती है, आपके भविष्य का दर्पण रहती है, आईना रहती है और वह होने वाली बातों को आपको स्पष्ट कर देती है कि क्या स्थितियाँ बन सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कंपनी कुंडली एनालिसिस में, और इसकी बड़ी डिमांड है मेरे पास, तो आज मैं इस कंपनी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो सबसे पहले यह कंपनी जो थी 1960 से लेकर 1980 तक, और इस कंपनी में एक जो स्थापक रहे हैं, स्थापना की थी धीरू भाई अंबानी ने, की थी 1996 में रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन के रूप में की थी। और फिर धीरे धीरे इनकी जो है कंपनी का कई प्रकार से लोगों से जुड़ना हुआ, मिलना हुआ और आगे जाकर के जो है 8 मई 1973 को यह कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से कंपनी बन गई। और इस कंपनी ने जो है विमल जैसे बड़े बड़े ब्रांड बनाए, इसके साथ साथ यह कंपनी अनेक प्रकार के कार्य भी करती है जिसको हम सभी जानते हैं। पेट्रोल है, रिलायंस फ्रेश है आदि अनेक प्रकार की जो है इसके कार्य क्षेत्र जो है सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और जो है भारत में सबसे टॉप कंपनी यह कही जाती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो विकास हुआ था, और इसके बारे में जैसे हम जानते ही हैं कि पेट्रोल है और इसको इसके साथ है ब्रांडेड कपड़े, विमल, रिलायंस रिटेल, फ्रेश फ्रूट्स मार्केट आदि के नाम से भी जो है अनेक इनकी जो चैन चल रही है और सभी में अच्छा रिस्पांस जो है देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ग्रह स्थिति के अनुसार इस कंपनी में आगे क्या स्थिति बन सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ग्रह स्थिति के अनुसार जो जानकारी दी गई है सारी इंटरनेट पर आधारित है। तो 29 नवंबर 1995 10:30 किया था इसका जब इसे NESC में जो शामिल किया गया था। और उस दिन का जो कुंडली बनी हुई थी मकर लग्न की कुंडली थी, जिसके स्वामी शनि थे। चंद्र शनि जो थे कुंभ राशि में द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं। इसके साथ यदि हम बात करेंगे, मंगल शुक्रवार वे धनु स्थान धनु राशि में 12वें स्थान पर, और जो है वृश्चिक राशि में गुरु बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। इसके साथ जो है कुंडली तो जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन ग्रह की पोजीशन हम देखते हैं तो सूर्य जो है 12 अंश के अनुराधा नक्षत्र में, चंद्रमा 11 अंश 55 कला के जो है सद्भिषा नक्षत्र में, मंगल की स्थिति देखी जाए 5 अंश 9 कला मूल नक्षत्र में, बुध की स्थिति 16 अंश अस्त है और इसके साथ अनुराधा नक्षत्र में, गुरु 28 अंश 14 कला ज्येष्ठा नक्षत्र में, शुक्र 8 अंश और जो है मूल नक्षत्र में, शनि 24 अंश 14 कला जो है इनके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, राहु जो है चित्रा में और केतु जो है अश्विनी नक्षत्र में
जब इनकी स्थापना दिवस था उस दिन की है। प्रश्न कुंड जो कुंडली बनी उसके आधार पर ही मैं विश्लेषण कर रही हूँ। तो हमने देखा कि कुंडली के आधार पर ग्रह स्थितियां तो बहुत जबरदस्त बनी हुई है। लग्न का स्वामी चंद्र शनि के साथ है, इसलिए पेट्रोल से संबंधित कार्य और कार्य व्यापार का स्वामी जो है इनका गुरु और शुक्र है। तो देखा जाए तो मंगल शनि का योग, मंगल शुक्र का योग 12वें में है। टेक्निकल यांत्रिक सभी क्षेत्रों में जो है ऐसे कार्य के लिए जो है प्रेरणा प्रदान करता है। लाभ में देखा जाए तो बुध गुरु और सूर्य का है, तो कपड़े विमल जैसे ब्रांड इनके यहाँ से जो है बनते हैं। और इस प्रकार से यह कंपनी अच्छी नाम कमाने वाली कंपनी रही है और हम सभी जानते हैं इन्हीं के बारे में और कितना इन्होंने नाम और धन दौलत शोहरत सब कुछ कमाया। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की जो कुंडली है अच्छी है, शानदार बनी हुई है। लेकिन जो है राहु की जब उनको दशा चली 1995 से 2006 तक, यहाँ पर बड़े उतार चढ़ाव की जो स्थिति देखने को मिली थी। गुरु महादशा जो कि 2006 से लेकर के 2022 तक का समय रहा, 16 वर्ष का यह पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और कंपनी कहीं से कहीं जो है पहुंच गई। इसके साथ आगे हम देखते हैं तो वर्तमान में शनि की जो है महादशा चल रही है, तो 2022 से लेकर के 2/30/10/2025 तक का समय इसके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। इसके साथ इस दशा में जो अनेक प्रकार के पेट्रोल पंप आदि में भी बढ़ोतरी के कार्य जो हमको देखने को मिले। लेकिन अब हम देखेंगे कि 2025 अक्टूबर के बाद से जो है 29/7/2028 का समय इसके लिए मिक्स ट्रेंड में चलता हुआ पॉजिटिव जा सकता है। इसके साथ यदि हम बात करेंगे तो 2000 जो है जुलाई जुलाई 2028 से 29 का समय बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। तो इस प्रकार से कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र बैठे हैं तो शुभ समय जो है 25 अक्टूबर से 9/7/2028 के बीच में उतार चढ़ाव के साथ साथ पॉजिटिव संकेत यहाँ पे और अच्छे हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार एक मैंने जो अनुमान और जो व्यू बनाया वह मैंने आप लोगों को बतलाया है। तो यह कंपनी अच्छी है और इसमें काम किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह सलाह मैं दे नहीं रही हूँ, केवल आपको एस्ट्रोलॉजी और हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं इसके आधार पर एक व्यू, एस्ट्रोलॉजी का व्यू मैंने आपको बतलाया है। बाकी आपकी आगे अपनी सोच समझ के काम करें। मार्केट जो है आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ हमारा निर्देश यही रहता है कि सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। जब भी आप मार्केट में काम करें मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारी भी देख सकते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। और इसके साथ साथ यदि आप जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या किसी कंपनी का कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वह भी आप करवा सकते हैं। तो इससे हमें एक अनुमान, एक अंदाज, एक व्यू समझ में आ जाता है। फिर देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।